स्टार्ट करते हैं अपना स्टिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन फेयरवेल। आइए अरे भाई secured 90% and above was more, and this year we expect much better result than the previous year's result. Actually sir, हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, उसमें आपको 12th साल के एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। ब्लॉग, यू आर प्रिपेयरिंग ब्लॉग फॉर 12th क्लास? यस सर। ओके, व्हाट डू यू वांट टू शेयर? Sir, you want to share? You have to share, sir. I have to share. Yes, sir. 12th class. 12th class is good class. Especially commerce is very nice class, and they are preparing for their exams and they are doing well. बहुत अच्छा कर रहे हैं वो. और लेकिन कुछ ऐसा है कि कुछ कमियां हैं, है ना? और वो जो lapses हैं, still they have time to recover. और इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी. चलिए वहाँ चलते जहाँ से हमारे 15 साल के सफर की शुरुआत हुई थी। हेलो बच्चों, हाय। वो भी क्या दिन थे यार, ना कोई पढ़ाई का बोझ। क्लास 12 साइंस लास्ट मोमेंट है ये, 10% का ग्रोथ है तो और चाहिए, थोड़ा और मेहनत कर लो, पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा ध्यान दो। मेरा आशीर्वाद बिल्कुल तुम्हारे साथ है, मैं चाहता हूँ कि मिस बिल्कुल सक्सेस हो जाओ, लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ो, हर फील्ड में तुम सक्सेस मिले तुम्हें। गॉड ब्लेस। एक्चुअली हम लोग एक ब्लॉग बना रहे थे, उसमें सर हमारे सीनियर्स के जो भी मतलब अच्छे एक्सपीरियंस जो आपको सुन के मजा आएगा हमेशा सोचने में, उस तरह शेयर करते थे आपको। एज द बैच इज डिपार्टिंग, माई डियर स्टूडेंट्स आर डिपार्टिंग फ्रॉम द स्कूल। इफ आई हैव टू डिफाइन दिस बैच इन वन वर्ड, देन आई विल यूज द वर्ड वर्सेटाइल। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर। एक्चुअली हम लोग एक ब्लॉग बना रहे हैं, उसमें सर हमारे जो ट्वेल्थ के जो मेमोरीज हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके हम थोड़े एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। माई बेस्ट विशेज इज फॉर क्लास 12th कॉमर्स बैच एज वेल एज साइंस बैचेस। दे वर्क वेरी हार्ड एंड डेफिनेटली दे विल गेट गुड रिजल्ट इन देयर फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन and in life also. Kya sahi hai?
Where's your eye card? Anay, kya hai? Dekho apne baal. Go for your haircut today, Anay. Yes, ma'am. Oh, your test is going on? No, ma'am. Then, watch kyun hai haath mein? Ma'am, utar dunga. Tu log sudhrao ke nahi? Aap hi rakho. Right now, haan. Give it to me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Haan, okay. Ab mangne wala na. Bilkul. Parents ko dungi main. Ji, ma'am. Aise hi hai hamare 12 science ke bachche hain. उनका भी यही काम है लेकिन फिर भी बेटर है तुमसे एटलीस्ट। अदिति के केक है ना और शिवांशु का समोसे आज भी याद है। अरे अरे बातों बातों में मैं आपको मैच करके अजय देव मुझे तो मिलाने भूल गया। चलिए ये बच्चे वही हैं, मेरा तो 10 तक वास्ता रहा है लेकिन ये वही बच्चे हैं जो असेंबली में टीचर से कूटते थे हेयर स्टाइल को लेके या कुछ और। रोते सर मुझे मारा सर। किसने मारा सर? वो पीटीआई सर मारे हैं। अब वो बड़े 12th के हो गए, आज भी बड़ा अंतर है। खैर 12th क्लास में आप फिटनेस में देखें तो आपको मिलेगा साइंस में प्रभास से लेकर विकास तक की कहानी। कॉमर्स में जाएंगे तो इंटेलिजेंसी में भी बड़े हमारे वरुण से लेकर राजन तक की कहानी है। अच्छा कुछ है भी ना, यार दुबला हो गया है। अरे लैब में कैसे आया? लेकिन मेरे जो 6 बायोलॉजिस्ट, मैं उनके कुछ पोल आपके साथ जरूर खोलना चाहूंगी। कॉमेडी किंग हमारा प्रभास छोटा सा दिखता है, जब मैंने उसे अपना स्टूडेंट देखा आई वाज सरप्राइज्ड कि इतने छोटे से पैकेट में इतना बड़ा धमाका हो सकता है। रिमेंबर दीज लाइंस, दीज लाइन इज जस्ट फॉर यू ओनली। ओके कि these lines I have heard from online, मैंने online कहीं पर सुना था। जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। थैंक यू। चलिए अब मैं स्कूल के सबसे सीरियस टीचर के पास चलते हैं। अरे सर, हाँ भाई क्या हाल है? सर हम लोग एक ट्वेल्थ के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, उसमें आपको ट्वेल्थ वालों के राज खोलने सारे। ट्वेल्थ वालों के पास राज ही क्या है? वो तो वैसे भी खुली किताब है, जहाँ भी आप जाओ सर देखो उनको तो वो ऐसे भी है अपना अपना हर जगह। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, उसमें से कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे लेकिन कुछ तो लपोचड़ है। लपोचड़ समझते हो ना? हाँ, तो कुछ उसमें से लपोचड़ है जो कि ये अपनी यादें पता है जितने बम दीवार में नहीं घुसते ना उससे ज्यादा हमारे यहाँ घुस जाते हैं। क्यों प्रेम भाई बोलो, सही बोलो गलत बोलो? अरे हाय तो बोलो यार। हाय बोलो। हाय लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। यारो जी भर के जी ले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा।